इतना तो तय है कि एशिया कप 2022 जो है वो श्योर शॉट ब्लॉकबास्टर जा रहा है अभी तक, और लगभग कितने भी मैचेस हुए हैं नियर अबाउट पैक स्टेडियम, और क्या बेहतरीन गेम्स हुए हैं एशिया कप में अभी तक, और उसी का कम से कम डेली क्रिकेट का यह कहना होगा कि शायद हमारे हिसाब से कि सबसे बेहतरीन और सबसे थ्रिलर मैच जो है वो कल देखने को मिला। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, सबसे बेस्ट इस पूरे एशिया कप में थ्रिलर ने बाइटिंग आप जो भी कहें, जबरदस्त बहुत ही जबरदस्त मैच लास्ट नाइट में देखने को मिला। बिल्कुल, और इस थ्रिलर मैच को पूरा थ्रिलर बनाने का जो योगदान है वो अफगानिस्तान बॉलर्स को तो जाता ही है, साथ में पाकिस्तान के बैट्समैन को भी जरूर जाता है। जी हाँ, उसको डिस्कशन जरूर करेंगे, लेकिन एनालिसिस की शुरुआत करते हैं कि आखिर ये मैच लेट बैटिंग तक पहुंचा कैसे। पहले यहाँ पर टॉस जीता अफगानिस्तान ने, और पहले माफ कीजिएगा पाकिस्तान ने टॉस जीता पहले और पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। चलिए उसके बाद अफगानिस्तान पहले बैटिंग करने के लिए आया, एंड यहाँ पर ये दुबई का स्टेडियम नहीं था तो यहाँ पर इतना आसान नहीं था कि आप गए और आपने 180 90 डाल दिए, जैसे हम लगातार कई टीमों की तरफ से देख रहे थे। यहाँ बहुत ट्रिकी मामला था, स्पिनर्स को काफ़ी हेल्प कर रही थी। तो पहले फर्स्ट हाफ में शुरू के 6 ओवरों में अफगानिस्तान की बैटिंग कैसी थी? नहीं बिल्कुल, शुरू के 6 ओवरों में थोड़े से ये है कि रन्स आए जरूर हैं पर विकेट काफ़ी वैल्यूएबल विकेट गिरे हैं अफगानिस्तान के, क्योंकि जो दोनों ओपनर जो आते हैं जजई और गुरबाज वो बहुत ही ज़्यादा हाई रेटेड हैं आपके T20 में, और अफगानिस्तान के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इनमें से कोई स्टार्ट करे, और कर भी दिया था गुरबाज और जजई ने स्टार्ट जरूर किया, लेकिन फिर पावर प्ले के अंदर ही बहुत ही खुद ज़्यादा ही अटैकिंग वे में चले जाने की वजह से खुद को ही नुकसान हुआ और दोनों ही बोल्ड हो गए। आपके गुरबाज पहले आउट हुए 17 रन पर, उसके बाद जजई आउट हुए 20 प्लस बनाकर, और तो दोनों ही पावर प्ले के अंदर ही अंदर समट गए और 48-2 6 ओवर के बाद 48-2 आफ्टर पावर प्ले। बिल्कुल, तो यानी क्लियर है कि 8 के रेट से आप चल रहे थे, अच्छा खासा रेट है, अगर आप देखेंगे 6 ओवर में 48 रन बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन दिक्कत यह है कि आपने जिन्होंने रन से 48 रन मारे हैं वो दोनों के दोनों पवेलियन लौट चुके थे, और कहीं ना कहीं खराब शॉट के चलते कि आप अपने काफी अननेसेसरी रिस्क लेने के चक्कर में आप रॉन्ग लाइन खेल गए और दोनों ही बोल्ड होते हुए नजर आए। उसके बाद एंड सेकेंड फेज में क्या कैसी चीजें घटी है, क्योंकि स्कोर टोटल स्कोर जो है वो बहुत ही कम हो गया, जबकि 6 ओवर में सिर्फ 48 रन था, इस फेज में क्या हुआ 7-15? नहीं बिल्कुल, और इस फेस में कहना होगा कि रन जरूर थोड़े से बहुत कम आए हैं और बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव में वे में चली गई अफगानिस्तान की टीम, और बॉलिंग भी स्पिनर्स जब से रोल आए और बहुत अच्छी बॉलिंग कराई शादाब खान और नवाज हो, बिल्कुल बहुत टाइट बॉलिंग रही। 93/5 ये 15 ओवर का स्कोर रीड कर रहा था अफगानिस्तान का, इतना कम था, और जिसमें कि 45 रन बने इस फेस में और 3 विकेट और गिर गए, यानी कि आपके जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है नजीबुल्ला नबी भी बहुत खराब उनका ये टूर्नामेंट गया है, कुछ गोल्डन डक, बिल्कुल गोल्डन डक पे वो आउट हुए, और साथ ही साथ करीम जनन पार्टनरशिप जरूर हुई, कहना होगा चौथे विकेट के लिए माफ कीजिएगा तीसरे विकेट के लिए थोड़ी बहुत पार्टनरशिप जमती जा रही थी वहाँ पर करीम जनत और इब्राहिम जादरान के बीच, पर कुछ हुआ नहीं कि जिसका फायदा कोई और बैट्समैन उठा सके, और 93/5 ये 15 ओवर के बाद स्कोर था। बिल्कुल, तो बीच के 54 गेंदों में यानी 6 ओवर से 15 ओवर के बीच में आपने 54 गेंदें खेली और उसमें रन सिर्फ 45 बने हैं और 3 इंपॉर्टेंट विकेट भी वहां पर टीम ने खो दिए, यानी यहां पर क्लियरली 48 रन से शुरू में उसके बाद थोड़ी सी बैकफुट पे नजर आई अफगानिस्तान की टीम, जो पाकिस्तान के स्पिनर्स हैं उन्होंने काफी बेहतर काम किया। लास्ट के फेस में एंड शुरू लास्ट के 5 ओवरों में 5 विकेट अफगानिस्तान के बचे थे अभी भी, वहां पर कैसा हाल रहा? नहीं बिल्कुल, वहाँ पर भी पाकिस्तान के बॉलर्स ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है। जी हाँ, सिर्फ 36 रन बने आखिर के 5 ओवर में और एक विकेट नहीं गिरा, लेकिन रन्स भी नहीं बने। अगर विकेट चलिए नहीं गिरा अच्छी बात है, लेकिन आपके रन्स भी बनने चाहिए थे 50 तकरीबन, लेकिन कोई बैट्समैन ही नहीं था, सब ऊपर के सब टॉप ऑर्डर के सब चले गए, मिडिल ऑर्डर के सब चले गए, इब्राहिम जादरान वहाँ पे थे लेकिन वो भी गलत टाइम पर आउट हुए 17वें ओवर में, उनको भी पवेलियन भेज दिया गया। उसके बाद राशिद खान ने कोशिश की, 18 रन जरूर बनाए, 2 चौके 1 छक्का जरूर मारा, लेकिन स्कोर उतना नहीं कर पाए क्योंकि ऊपर के बैट्समैन चले ही नहीं जो इतना ज़्यादा हो पाया। 129/6 ये आफ्टर 20 ओवर ये स्कोर रीड कर रहा था अफगानिस्तान। बिल्कुल, तो 130 रन टारगेट था पाकिस्तान के लिए फाइनल में पहुंचने के लिए इस मैच को जीत कर, और अब वर्ल्ड डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं यार तो वहां पर क्या हाल रहा है, किस तरह कंट्रीब्यूशन रहा है पाकिस्तान के बॉलर्स? नहीं बिल्कुल, शानदार कंट्रीब्यूशन रहा है, नवाज का भी शादाब का भी, एक एक विकेट उन्होंने लिया, हारिस रऊफ ने
26 रन देकर 2 विकेट लिए। लास्ट ओवर थोड़ा सा उनका एक्सपेंसिव जरूर गया, वरना और नसीम शाह की बहुत बहुत तारीफ करनी होगी, 4 ओवर में 19 रन उन्होंने दिए, बहुत ही एक्स्ट्रा पे स्पिनर विकेट था, पेसर का इतना फ्रेंडली विकेट नहीं था, लेकिन फिर भी वहां पर पेसर्स ने इतनी अच्छी बॉलिंग कराई है, शानदार। बिल्कुल, दूसरी तरफ भी बहुत जबरदस्त है बिल्कुल। तो अफगानिस्तान ने अगर आप देखेंगे शुरू के 6 ओवर में 48 रन मारे थे और 2 विकेट खोए थे। पाकिस्तान एंड चेज में पावर प्ले में क्या हाल था अगर हम कंपेयर करें अफगानिस्तान के साथ? बिल्कुल डिजास्टर पावर प्ले गया है आपका पाकिस्तान का। अगर बात करें सीधे तौर पर कि वो पीछे रहे हैं अफगानिस्तान से 35 पे 2, ये उनका था 6 ओवर के बाद, इतना ज़्यादा कम रन बॉल आप मान के चलिए, और विकेट उसमें था जी हाँ आपके वन ऑफ द रिसेंटली बहुत ही फॉर्म में चल रहे हैं प्लेयर बाबर आजम के, उनकी कप्तान का विकेट और बहुत ही बड़ा गोल्डन डक पे आउट हुए हैं, वो बहुत ही हॉरेबल, ठीक गलत टाइम पे उनका फॉर्म गया है या फॉर्म नहीं गया है, T20 में कुछ फॉर्म वॉर्म कुछ होता नहीं है, आपके रन्स नहीं बन रहे हैं उनके बल्ले से, अब ठीक करना होगा उन्हें जल्द से जल्द। लेकिन 35 पे 2 था 6 ओवर, फखर जमा भी बहुत ही ज़्यादा उनका एक टेक्निकल, उन्हें मालूम नहीं कि मुझे डाइव मारना है या फिर सीधे जाना है, खुद ही उन्होंने विकेट दे दिया गिफ्ट। बिल्कुल क्लियरली था फखर जमान को डाइव लगानी चाहिए थी, बहुत ही लेजीनेस दिखाई उन्होंने, डाइव मार तो डेफिनेटली वहां पर किसी भी हाल में रन आउट नहीं होने वाला, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो प्लेयर्स को एक परफेक्शन की तरफ लेकर जाते हैं। तो 13 रन कम थे पाकिस्तान अफगानिस्तान के मुकाबले शुरू के 6 रन पावर प्ले में, यहाँ पे पहले पावर प्ले की बात करें तो अफगानिस्तान एडवांटेज पे था। उसके बाद सेकेंड हाफ में 7 से 15 के बीच में अगर हम बात करें अफगानिस्तान ने बनाए थे 45 रन एंड कंपेयर में पाकिस्तान का क्या हाल? बिल्कुल कंपेयर अगर करें तो यहाँ पर थोड़ा सा बेटर है पाकिस्तान के लिए इस फेज में कि 85 for 3 ये उनका स्कोर था 15 ओवर के बाद, जिसमें कि रिजवान का विकेट गिरा जो कि इफ्तिकार के साथ कोशिश कर रहे थे पार्टनरशिप बिल्ड करने का, बहुत बड़े इंपॉर्टेंट विकेट गिर गया। बिल्कुल सही, और वहां पर बहुत बड़ा डेंट माना राशिद खान ने उनको एलबीडब्ल्यू आउट करके, और वो भी 20 रन के स्कोर पर चले गए। लेकिन उसके बाद इफ्तिकार और शादाब ने मिलकर बहुत एक पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश की, जिसमें कि शादाब का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा कि उन्होंने तेज खेलना शुरू किया, स्पिनर्स पर अटैक भी किया, और देखते ही देखते 50 रन बने इस मिड फेस में और एक ही विकेट गिरा, जो कि बहुत अच्छी बात थी इस पिच पर जहां पर स्पिन को काफी मदद दे रही। बिल्कुल, अब आप यहां पर नोटिस करिएगा, अगर पहले पावर प्ले के हिसाब से 13 रन पाकिस्तान पीछे था, उसके बाद इस फेस में 50 रन उन्होंने बनाए और अफगानिस्तान उनसे 45, यानी 5 रन उन्होंने कवर करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी 8 रन जो है वो पीछे थे, यानी क्लियर है कि 77 के आसपास, माफी 92 के आसपास अफगानिस्तान का स्कोर था 15 ओवर में, और यहाँ पर और यहाँ पर 85-86 के आसपास, यानी 7-8 रन का अभी भी गैप क्लियरली नजर आ रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि पाकिस्तान के पास विकेट्स अभी बचे हुए थे, 7 विकेट बचे हुए थे लास्ट के 5 ओवर में जाने के लिए, लेकिन यार अफगानिस्तान के बॉलर्स को दाद देनी होगी और नबी की कप्तानी को दाद देनी होगी, और इफ्तिकार अहमद की स्लोएस्ट इनिंग जो रही है 33 बॉलों में 30 रन उन्होंने बनाए हैं, उसको भी दाद देना होगा कि जो लास्ट का फेज था वो एक ब्लॉकबस्टर गेम की तरह निकला। बिल्कुल बिल्कुल सही, और समझ में नहीं आ रहा था कि किसी के पैर नहीं हिल रहे हैं, कोई शॉट नहीं खेल रहे हैं, खासकर नवाज हो गए, खुशदिल शाह हो गए, इनके शॉट ही नहीं निकल रहे हैं या पैर ही नहीं हिल रहे हैं, अजीब सा लग रहा था देखने में कि कहाँ गए अभी। ये T20 है, आप लोग सब T20 के प्लेयर हैं, PSL वगैरह खूब खेलते हैं, तो ये सब आपको आना चाहिए, लेकिन शॉर्ट सिलेक्शन सब पैर वैर का हिलना, मूवमेंट, ये सब शफल, ये सब कुछ समझ में ही नहीं आया, हो ही नहीं रहा था प्लेयरों से। लेकिन आसिफ अली भी चाहे जिन्होंने बाउंड्रीज मारी, जी हाँ, जिस तरीके का वो क्रिकेट है उनका वो ऐसे ही है, आके उन्होंने चौके छक्के मारे, और लेकिन वो भी वहाँ पर मैच फंसाते हुए चले गए और वो भी आउट हो गए। लेकिन कुछ और ही लिखा हुआ था तकदीर में, किसी के और तकदीर में लिखा हुआ था कि यहाँ पर, और लड़ाई भी हुई जी हाँ, जब आसिफ अली आउट हुए तो थोड़ी बहस भी हो गई आपके फरीद के साथ, लेकिन 46 रन यहाँ पर बने इस फेस में और 6 विकेट गिरे, ये डिजास्टर फेस था जो कि पाकिस्तान के लिए हुआ, लेकिन नसीम शाह ने कुछ और ही पलट कर रख दिया, कुछ और ही उनका प्लान। बिल्कुल, अब आप देखिए 8 रन बचे थे 15 ओवर के डिफेंस में, या और लास्ट के फेस में उन्होंने मारे 46, अफगानिस्तान ने मारे थे 36,
तो 10 रन यहां पर उन्होंने पाकिस्तान ने ज्यादा बना दिए और इसी कंपैरिजन के तहत पाकिस्तान इस मैच को जीत गया। लेकिन लास्ट ओवरों में यहां पर कहीं ना कहीं मैच बहुत फंसा हुआ था, 10-11 रन करीब चाहिए थे, लेकिन शुरू की दोनों बॉलें फुल टॉस डालने वालों के लिए इक्वेशन में आप कह सकते हैं कि वो आ गए। डेफिनेटली बहुत हाई इंटेंस गेम था, लेकिन गलत बॉल उनसे पड़ गई और दोनों फुल टॉस सिक्स नसीम शाह की तरफ लॉन्ग ऑफ की तरफ लगा दिया उन्होंने। और इसी के साथ एक बहुत ही थ्रिलिंग गेम जो है पाकिस्तान कल जीता है। तो यार अफगानिस्तान के स्पिनर्स अगर बेहतर करते हैं तो समझ में आता है, बहुत क्वालिटी स्पिनर्स उनके हैं, लेकिन पेसर्स की मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बॉलिंग डिपार्टमेंट आपका है, तो फारूकी और फरीद इन दोनों की बॉलिंग को आप स्पेशली कैसे देखते हैं? लेफ्ट आर्म बॉलर्स कितना इंप्रेस किया कल उन्होंने? बिल्कुल बहुत बहुत ज़्यादा, इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए अफगानिस्तान को, बहुत अच्छे हैं, लेफ्ट आर्मर्स हैं, स्पीड है, आपके पास लाइन भी है, लेंथ भी है, तो ज़रूर और काम करने की ज़रूरत है, बस ये ज़रूर है कि हाँ और काम करने की ज़रूरत है। क्रिकेट में हमेशा काम करते रहना होता है, चाहे आप कितने ही बड़े हो जाएं, कितने ही बड़े प्लेयर बन जाएं, तो बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ है जरूर दमखम जरूर है। बिल्कुल, तो एक टफ मैच दिया है कल अफगानिस्तान ने, लेकिन टफ लग रहा है कि वो अब एशिया कप से बाहर हो चुके हैं और इंडिया और अफगानिस्तान दोनों एशिया कप से बाहर हो चुके हैं। अब यहाँ पर पाकिस्तान और श्रीलंका का फाइनल जो है वो 11 सितंबर को आपको देखने को मिलेगा, तो कंग्रेचुलेशन दोनों टीमों को। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही, वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। एंड जाते जाते एक चीज आप पूछ लेता हूँ, चलिए आप जब ये वीडियो हो ही गया है तो आपका मोमेंट ऑफ द मैच कल का क्या रहा? बिल्कुल नसीम शाह ने जिस तरीके से मारने के बाद चिल्लाया, ग्राउंड पे गए, वो दौड़े, फ्रस्ट्रेशन निकाला। और मैं एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा आपसे, ये चीज पैशन, ये पैशन हमें दिखता नहीं है क्रिकेट में, ये जो एक अफगानिस्तान की तरफ से भी पाकिस्तान की तरफ से भी, ये इसे कहते हैं क्रिकेट या उसे कहते हैं क्रिकेट कि आइए गले मिलिए और अपना दोस्ती वगैरह निभाइए? बिल्कुल, ये भाईचारा बहुत बढ़ गया, क्योंकि जैसे कि हम कहते रहते हैं सबको गुड बुक्स में आना है, किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट गुड बुक्स में आने के चक्कर में जो है वो क्रिकेट का जो एक पैशन है वो आज के क्रिकेट में बहुत कम नदारत गायब होता जा रहा है। और वो हमें बहुत गलत दिखता था जब 90s और 2000s के जमाने में क्रिकेट देखा करते थे हम, वहाँ पर भी क्रिकेट होता था, ऐसा नहीं कि आज के लड़के सिर्फ आज के ये प्लेयर्स क्रिकेट खेलते हैं और बाकी लड़के क्रिकेट खेला ही नहीं है, ये पैशन जो है वो गुड बुक्स में आने कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। लेकिन कल देखना होगा अफगानिस्तान के प्लेयर्स के क्रिकेट में जो चेयर था, जो हल्की उनकी नोकझोंक थी, फरीद और सब, ये सब चीजें एक बड़ा एक्साइटिंग बनाती है, रशीम के वो शॉट्स मारने के बाद रिएक्शन, तो ये जबरदस्त काश्मीर क्रिकेट है जो बहुत ही कम टीमों में रह गया है आजकल के वर्ल्ड में, ज्यादा टीमों को किसी की गुड बुक्स में आना है, किसी को कुछ कॉन्ट्रैक्ट चाहिए वगैरह वगैरह, ये सब चीजें क्रिकेट को जो है और ज्यादा डर कर रही है और फिर कहते हैं कि ये फॉर्मेट बोरिंग हो गया, बोरिंग हो गया। आप ये ना कि सामने वाले जो है वो आपकी गुड बुक्स में, आप किसी गुड बुक्स में आना चाहते हैं, ना वो लड़ते हैं, भाईचारा निभाते हैं, वो हंसते रहते हैं, ये करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि आप जाकर मारपीट करिए, लेकिन कल देखिए जो गेम हुआ आउटस्टैंडिंग, इसीलिए हमने इस वर्ड दिया ब्लॉकबस्टर गेम, सिर्फ ऐसे नहीं कि लास्ट ओवर तक गया तो ब्लॉकबस्टर, इससे भी लास्ट ओवर तक मैच गए, बिल्कुल ब्लॉकबस्टर गेम किसी कारण से दिया गया, बहुत ही बेहतरीन मैच, एशिया कप 2022 सुपर हिट गया है अभी तक। बाय बाय।